एवरीवन टू दिस टॉपिक टूल्स ऑफ थिंकिंग। चिंतन प्रक्रिया कुछ खास साधनों के माध्यम से तेजी से होती है। ये साधन इस प्रकार हैं। फर्स्ट इमेज, किसी भी वस्तु घटना स्थान का चिंतन करते समय उससे संबंधित प्रतिमाएं यानी कि इमेजेस मस्तिष्क में ब्रेन में उपस्थित हो जाती हैं, जैसे नर्स के शैल्य चिकित्सा, ऑपरेशन थिएटर, ओटी के बारे में सोचने पर वहाँ डॉक्टर, विभिन्न इक्विपमेंट मशीन्स और पेशेंट्स सब का उसके माइंड में क्या होता है, डायग्राम या वो इमेज आ जाती है, वही इमेज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, सपोज दैट हमारा एग्ज़ाम होने वाला है और हमको हम इमेज करने लगते हैं कि पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, स्केल चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमें जो है उठते बैठते सोचते हमारे दिमाग पे घूमती रहती है और यही क्या होता है, यही हमारा इमेज होता है। लैंग्वेज, चिंतन करते समय व्यक्ति भाषा का प्रयोग करता है और गहन चिंतन के समय तो अपने आप से बातें करता है। जी हाँ, कभी कभी कुछ लोग इतना ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि वो पता नहीं किस किस लैंग्वेज में बड़बड़ाते हैं और अपने आप से ही बातें करते रहते हैं, इसलिए चिंतन को आंतरिक संभाषण इंटरनल स्पीच भी कहा जाता है। जी हाँ, हम अपने आप में जब बातें करने लगते हैं तो वो हमारा इंटरनल स्पीच कहलाता है। कॉन्सेप्ट, प्रत्याय का संबंध वस्तु घटनाओं एवं उनसे संबंधित गुणों के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने से संबंधित है। जनरलाइजेशन के आधार पर व्यक्ति विभिन्न कॉन्सेप्ट को सीखता है। जी हाँ, जब हम पहले कॉलेज जाते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ पर अपने आप को उस इन्वायरमेंट में ढालते हैं, फिर वहाँ के लोगों को समझते हैं, फिर वो हमारी एक फैमिली बन जाती है। दैनिक व्यवहार से संबंधित कॉन्सेप्ट का चिंतन सर्वाधिक होता है, जैसे पेशेंट को दवाई इंजेक्शन के माध्यम से देनी है। जी हाँ, कोई पेशेंट्स हैं, हमको उसको ड्रग्स देनी है, किससे, इंजेक्शन के थ्रू देनी है। अतः त्वची यानी इंट्राडर्मल पेशी इंट्रामस्कुलर से कॉन्सेप्ट नर्स ने समस्त जानकारी के माध्यम से सीखे। जी हाँ, हम जब किसी को इंजेक्शन देते हैं तो सबसे पहले उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट करते हैं और उनको बताते हैं कि हम आपको इंजेक्शन देने वाले हैं और उनको राज़ी करते हैं। सिंबल्स एंड साइंस, प्रतीक चिन्ह में किसी वास्तविक एवं सामान्य वस्तु की ओर संकेत करते हैं तथा उन्हें किसी चिन्ह के माध्यम से प्रकट किया जाता है। नर्सिंग में भी अनेक प्रतीकों का चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ING इंजेक्शन, IM इंट्रामस्कुलर, C अर्थात में PC अर्थात पोस्ट, साइबर्स खाना खाने के बाद, इत्यादि।